नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और खासकर रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेलवे में परसेंटेज से कम 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये टॉपिक दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, परसेंटेज को, जो कि मैथ्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम टाइप वाइज क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि परसेंटेज के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना है कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी नंबर को 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, पहला आप कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं प्रतिशत में। मतलब ये प्रतिशत का क्या होता है, परसेंटेज का ये साइन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि फ्रैक्शन में लिखे आपने 5/3, या आप उल्टा लिख लेते हैं 3/5, 3/5। मान लीजिए 5 नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें से 3 नंबर आया, तो आपको निकालना है कितना परसेंट आपका आया। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, इस नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। किसी भी नंबर को परसेंटेज में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो ये 20 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 20 बार में कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करके 60, तो ये क्या बन जाएगा, 60%। मतलब 60% किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है। हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो परसेंटेज को अगर हटाना है तो 100 से भागा देना होगा। अब ये परसेंटेज का साइन क्या हो गया, हट गया। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए 3 से और ये 5 से, यहाँ कट के कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। यहाँ कट के कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे अब दोस्तों हमने परसेंटेज का बेसिक जान लिया कि फ्रैक्शन में भी हो सकता है और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है ना, तो नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शन और परसेंटेज में, ये चीज हमने जान लिया। तो परसेंटेज में बस इतना ही आपको जानना है और कुछ नहीं जानना है। ठीक है ना, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे परसेंटेज के लिए। एक चीज आप लोगों को जानना है, क्या जानना है दिखेगा, अगर मान लीजिए कि आपका कुछ नंबर आया, टोटल आपका टी है, अब परसेंटेज निकालना, तो 100, मतलब जिसका परसेंटेज निकालना उसको ऊपर, जिससे निकालना उसको नीचे, और गुना में परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं जानना है, कोई भी फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं करना है। ठीक है ना, सीधा हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जहां पे कुछ होगा वहां पे मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने आप लोगों को क्या बताया, किसी नंबर को परसेंटेज में बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, किसी नंबर को फ्रैक्शन में बनाने के लिए 100 से भागा किया जाता है। बस इतना ही याद रखिएगा और कुछ नहीं। अब दोस्तों हम टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्या पूछा गया है कि यदि वाई का 80% है, लिख दीजिए जो दिया हुआ है उसको लिखिए, वाई का 80% है, एक्स दिया हुआ है, वाई का 80% है, एक्स दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, तो आपको क्या करना है, वाई को ऊपर एक्स को नीचे, जो परसेंट निकालना है वो एक्स से निकालना है। मतलब कोई ना कोई बेस होगा, उसी बेस पर आपको क्या करना होता है, परसेंटेज निकालना होता है। तो इस फॉर्म में लेके आइए इस वाली इक्वेशन को। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब एक्स बाई वाई हो जाएगा, इक्वल टू में 80/100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए तो y y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब उल्टा कर लिए हम लोग, व्युत्क्रमानुपाती कर लिए, और 100/80 हो जाएगा। अब परसेंटेज में लाने के लिए किसी नंबर को 100 से गुना किया जाता है, ये याद रखना है, और फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भागा किया जाता है। तो अभी परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करेंगे, ये हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 गुना, 4 से 25 बार में, और ये 5 से, मतलब ये कितना हो जाएगा, 125%। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई का नहीं, y x का 125% होगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों बन गया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि p q से 6 गुना ज्यादा है, तो हम मान लेते हैं q को x मान लेते हैं और p को मान लेते हैं 6x मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तो q p से कितना ज्यादा ये निकालना है, q p से कितना ज्यादा है, तो p माइनस q करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, p माइनस q कीजिएगा तो 5x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो हम लोग से पूछा गया q p से कितना ज्यादा है, मतलब जो p होगा वो नीचे और जो ज्यादा या कम है ना वो ऊपर होगा। ठीक है ना,
ज्यादा या कम जो क्या होगा वो ऊपर होगा, मतलब 5x ऊपर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5x बाई 6x। x से x कट गया और परसेंटेज मिलाने के लिए 100 से गुना करते हैं हम लोग, ये 50 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, मतलब 250 बाई 3। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 83.3% आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ऐसे ही आंसर क्या हो जाएगा, 83.3% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चेंज करते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टाइप 2, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज कीजिए, टाइप 2 को देखते हैं। लिखा हुआ है ए का 18% बी के 20% के बराबर है। ए का 18% जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3, ए का 18% बी के 20% के बराबर है, बी के 20% के बराबर है। इससे क्या होगा, ए और बी के बीच में रेशियो निकल जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि ए बी का कितना परसेंट है, बी ए का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो देखिएगा, सबसे पहले इनका रेशियो निकालिए। तो 100 से 100 कट गया, 10 से 10 से 10 नहीं कटेगा, 9 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में, मतलब a अपॉन में b इक्वल टू में 10 अपॉन में 9, ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग का पूछा गया कि b a का कितना परसेंट है, तो यहाँ कोई बेस होगा, ठीक है ना, यहाँ बेस होगा, तो बेस क्या है, a। हम लोग को क्या करना है, b a का कितना परसेंट है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, बी बाई ए कर दीजिए। ए के रिस्पेक्ट में निकालना है हम लोग को, ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पूछा गया है कि बी ए का कितना परसेंट होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसको लिख सकते हैं 9/10 लिख सकते हैं। अब 100 से गुना कर दीजिए, आप 10 से 10 काट दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 90% है आपका सही आंसर। तो देख सकते हैं कि कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। अभी तो सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख पाए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए का 20% है, ठीक है, बी के 30% के बराबर है, ए का 20% है बी के 30% के बराबर है, बी का 40% है सी के 50% के बराबर है। तो पहले तो इस वाले को सॉल्व कर दीजिए, 10 से 10 कट गया आपका। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a बाई बी इक्वल टू में 3/2 हो जाएगा, और b का 40% c के 50% के बराबर है, c के 50% के बराबर है। ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये पूरा कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई c इक्वल टू में 5 बाई 4 हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, a c का कितना परसेंट है, मतलब a का c के रिस्पेक्ट में परसेंट निकालना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है ना, 3:2 दिया हुआ है, और जो रेशियो दिया हुआ है 5:4, इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब इनको मिलाइएगा ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इनको क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से 5 को 2 से 5 को और 2 से 8 को 4 को, तो ये 8 हो जाएगा, मतलब ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 15:10 से 8 में। अब हम लोग को क्या करना है, ए सी का कितना परसेंट है, तो ए कितना है 15, सी कितना है 8, गुना में क्या करेंगे 100। अब 4 से 4 गुना 4 से 25 बार में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 गुना में 15 होता है 375/2% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 375/2%। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपसे बन गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, टाइप चेंज होगा यहाँ पे, और ये एग्जाम में रेलवे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो पहले चीनी का दाम मान लीजिए कि पुराना दाम था 100 रुपए, अब नया दाम कितना हो गया, 20% इंक्रीज हो गया। तो एक चीज मैंने बताया नहीं कि जब भी कुछ इंक्रीज होता है तो परसेंटेज में क्या किया जाता है, 100 में ऐड कर दीजिएगा वो चीज, 10% 20% मतलब 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। और जब माइनस होगा कुछ परसेंटेज में क्या कीजिएगा, 100 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे 100% में 20% माइनस कीजिएगा तो रह जाएगा कितना, 80%।
तो ये जो क्वेश्चन है इसी बेस पर है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, चीनी का मूल्य सबसे पहले कितना था, 100 रुपए था। चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपए। अब ये दाम कितना हो चुका है, 100 से 120 रुपए हो गया है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है तो खपत, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब वो चीनी का दाम ज्यादा बढ़ गया तो वो क्या करेगा, अपने यूजेज में कम कर देगा, जिससे इतना कम कर दे जिससे उसके खर्च में कोई चेंज ना हो। जैसे 50 रुपए चीनी के लिए खर्च करता था तो अभी भी वो 50 रुपए खर्च करेगा बट क्वांटिटी उसको कम मिलेगा। तो वही पूछा है कि कितना कम कर दे, ठीक है ना, इसी चीज को पूछा है कि कितना कम कर दे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20/120 हो जाएगा, 20/120 गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिखा 20/120 गुना में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 और 2 से कटेगा 6 बार में। अब यहाँ 3 हो जाएगा, अब यहाँ 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50/3 हो जाएगा, 16 पूर्णांक में 2/3%। मतलब इतने प्रतिशत का उसको कमी करना होगा, ठीक है ना। जब भी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन होगा हमेशा 100 मान के बनाइएगा, जब भी आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको आंसर क्या चाहिए था, परसेंटेज में। इसलिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को 100 मान के बना दिया, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे लगता है कि सेम टाइप का होगा, तो आप बना सकते हैं। अगर ए ए अगर बी से 20% कम हो तो बी ए का कितना प्रतिशत है। तो ध्यान से देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है बट आसान क्वेश्चन है। देखिएगा, ए अगर बी से 20% कम है तो बी मान लीजिए 100 था, और ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इन दोनों का गैप कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पूछा है कि बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ए के तुलना में। तो ए को नीचे, ए का वैल्यू कितना, 80 गुना में 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 बार में और 4 से 25 बार में। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, बी ए से 25% कम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। तेल के एक मूल्य में 10% की कमी होने हो जाने से इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में कोई चेंज ना हो। अगर किसी का किसी चीज का दाम क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या होगा, उसको आप ज्यादा यूज करने लगेंगे। तो आप पे पैसा उतना ही दे रहे हैं बट आप अपने कंजम्पशन में क्या करेंगे, अपने खपत में क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। तो इसी चीज को पूछा गया कि कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो कमी हुआ था 10%, तेल का मूल्य कितना था, 100 रुपए, अब दाम हो गया 90 रुपए, ठीक है। दोनों का गैप निकाल लीजिए 10 रुपए, उसका परसेंटेज निकाल लीजिए, जो नया दाम है, न्यू रेट है 90 रुपए, 90 रुपए से परसेंटेज निकाल लीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इसको 100/9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 100/9 को, तो कितना लिख सकते हैं, 11 पूर्णांक में 1/9, ये हो जाएगा सही आंसर, 11 पूर्णांक में 1/9 प्रतिशत हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, देखिएगा दोस्तों अगला टाइप टाइप चार को देखिएगा। टाइप चार में क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि चीनी का मूल्य पहले 16 रुपए था, अब जो नया रेट हो गया वो 18 रुपए हो गया, तो 2 रुपए का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब आपसे पूछा क्या कि जब 18 रुपए प्रति किलो होने पर एक हाउस वाइफ को चीनी की खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि उसके खर्च में कोई चेंज ना हो। तो जो नया रेट होता है ना, हमेशा उसी से परसेंटेज निकाला जाता है। तो निकाल दीजिए यहाँ पे 2/18 × 100, तो नया रेट 18 है, तो 18 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालिएगा, तो वही फिर से 100/9 आ जाएगा। और आपका आंसर अभी हमने बताया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 11 पूर्णांक 1/9% होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 11 पूर्णांक 1/9% होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा। इसी तरह बना लेंगे जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को बनाया, ये उल्टा क्वेश्चन होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 का उल्टा है ये। देखिएगा, पूछा गया संतरे का मूल्य 20 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मतलब पुराना मूल्य था 20 रुपए, अब नया मूल्य हो गया 15 रुपए, मतलब कमी कितना हुआ, 5 रुपए का। और हमेशा जो परसेंटेज निकालेंगे वो नया परसेंट से निकालेंगे, बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ने का कोई भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो 3 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, अब 100/3 आ जाएगा, मतलब 33% आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 33/1/3% आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो अपने
खपत में इतना प्रतिशत का वो क्या करेगा, वृद्धि कर देगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में देखिएगा टाइप फाइव, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा टाइप फाइव को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के मूल्य में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम था, ठीक है, याद रखिएगा 26 किलोग्राम था, तो अब खपत कितना है? तो अब का खपत क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। क्या मान लिया हम लोग, अभी का खपत एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स मान लिए। अब यहाँ बोला गया कि चीनी के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने के बाद, तो कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 30%, मतलब 130%, एक्स का 130%। और पुराना खपत कितना है, 26 से, ठीक है ना, 26 केजी था पुराना खपत। परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% वृद्धि हो पाया, मतलब 26 में केवल 10% का इंक्रीमेंट ही हो पाएगा, अपना खपत इतना कम कर दिया। तो 26 का 110% निकालेंगे जहां पे उसने कम किया, और यहाँ पे एक्स का 130%, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 13 2 26 हो जाएगा, मतलब आपका खपत कितना हो जाएगा अभी का, 22 केजी। आपका आंसर कितना आ जाएगा, पहले खपत 26 केजी था, अब खपत कितना है, 22 केजी। तो उसको चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आसानी से आप पे ऑप्शन से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हल्का सा चेंज होगा, अपोजिट क्वेश्चन हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्चे केवल 15% की कमी हो पाई, ठीक है ना, चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो पाई। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 केजी थी, तो अब खपत कितनी है? तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सबसे पहले एक्स मान लेंगे, एक्स का 125% लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स का 125% लिखा हमने, और कमी होता है, सॉरी यहाँ कमी होता है, वृद्धि नहीं होता है, बोला गया कमी होता है, मतलब 75% होगा, 75% लिखेंगे, कमी होगा तो 100 में से माइनस, वृद्धि होगा तो 100 में प्लस करेंगे, 75% हो गया ना यहाँ पे एक्स का। और यहाँ पे 30 केजी दिया है ना, तो 30 केजी लिखिए यहाँ पे 30 केजी, और उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, 15% का कमी करता है, मतलब 85%, 15% की कमी हो लिखा हुआ है ना, केवल खर्च में 15% की कमी हो, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इक्वेशन बना दिया है, केवल सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो, मतलब दोनों जगह कमी दिया हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, 100 में से दोनों संख्या को घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 5 75, 15 2 30, 17 5 85, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 34, 34 केजी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 34 केजी आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले खपत कितना था, पहले खपत था 30 केजी, अब खपत कितना होगा, 34 केजी होगा, तो यही आपको बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमने देख लिया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, यहाँ देखिएगा, टाइप 6, किसी वस्तु के मूल्य को 12% 20% घटा दिया जाए, किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए, पुनः घटे हुए मूल्य को 30% घटा दिया जाए, पहले 20% फिर घटे हुए मूल्य को 30%, तो बताया कि वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव होगा। तो पहले मान लीजिए कि 100 मान लीजिए, क्योंकि आंसर आपको परसेंटेज में चाहिए, और सबसे पहले क्या किया गया, 20%, मतलब 100 का 80% हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है, 30% और घटा देता है, मतलब 100 का 70% हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग है उसका 70% है, 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट गया, मतलब ये 56% हो गया, मतलब ये 56% हो गया ना। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब आपसे पूछा गया कि बताया कि वस्तु के मूल्य में क्या प्रभाव होगा, तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 44% घट जाएगा। 100 रुपये का सामान कितने में हो गया, 100 रुपये का सामान 56 रुपये में हो गया, मतलब आपको सीधा सीधा 44 रुपये का फायदा हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो देख सकते हैं कि परसेंटेज के क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के बन रहे हैं, हम कोई भी फॉर्मूला नहीं देखेंगे,
परसेंटेज में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 20% और 30% की वृद्धि होती है, बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। मान लीजिए कि उसका क्षेत्रफल था 100, पहले 20% का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 का 120% है, बाद में 30% का इंक्रीमेंट हुआ तो 100 का 130%, ये कट गया, 10 से 10 कट गया, मतलब 156 हो जाएगा यहाँ पे। अब 156 मतलब प्लस हो जाएगा 56% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 56% हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिएगा, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, मतलब फायदा दोनों तरफ उसी का हो रहा है, तो जब भी प्रॉफिट हो या फिर गेन हो या कुछ भी ऐसा हो, मोर हो, तो हम क्या करेंगे, 100 में ऐड करेंगे, फायदा की कंडीशन में क्या करेंगे, 100 के 100 में ऐड करेंगे, लॉस होगा तो 100 में से घटाइएगा। तो यहाँ देखिएगा, उसको शुरुआत में भी 10% का फायदा हो गया, मतलब बेईमानी किया तो 10% का फायदा, और दो बार बेईमानी किया तो दो बार उसको 10% का फायदा होगा। 100 से 100 कट गया, 10 से 10 कट जाएगा, मतलब उसका हो गया 121%, मतलब फाइनली उसको 21% का फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली उसको कितना परसेंट का फायदा होगा, 21% का उसको फायदा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर खर्च करता है, 15% कपड़ों पे खर्च करता है और 20% अन्य पे खर्च करता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो उसका खर्च देखेंगे मतलब एक्सपेंडिचर देखेंगे, तो 45%, ठीक है, 45%, 15% और कितना खर्च किया, 20%, सबको ऐड कर दीजिए, 80% हो जाएगा। सेव कितना करेगा, सेव करेगा 20%, बचाया कितना उसने, 20% बचा लिया, तो उसके पास 75 रुपए बच जाते हैं, मतलब सेविंग कितना हो जाएगा 75, तो उसके इनकम को मान लेते हैं एक्स, और एक्स का 20% बचाता है तो फाइनली उसके पास कितने बचेंगे, 75। अब ये कटेगा, 20 बचे और सामान का दाम निकल जाएगा, 5 से 75 का गुणा कीजिएगा तो 300 कितना आ जाएगा, 375 आना चाहिए मुझे लगता है, 375 आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत ही ज्यादा आसान है और सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है, मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर खर्च करता है, 30% यातायात पर, 20% अन्य चीजों पर खर्च करता है, ठीक है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो उसका कुल खर्चा निकालिए, कुल खर्चा कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 30% हो जाएगा और 25% हो जाएगा, मतलब हो गया कितना, 75% उसने खर्च किया। सेविंग कितना होगा, सेविंग हो जाएगा 25%, सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग हो जाएगा 25% है। यदि उसकी मासिक आय 500 रुपए है, मतलब इनकम यहाँ पे दे दिया है 500 रुपए, तो आपसे पूछा है कि उसकी बचत क्या होगी, मतलब कितना बचाता है, तो 500 का 25% है, 20 से 20 काटिए, 125 रुपए वो क्या करता है, फाइनली बचाता है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों हम लोग टाइप 8 क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज्यादा आसान है। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सुरेश अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष का 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है, यदि वह 2520 रुपए बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो यहाँ सेविंग लिख लीजिए 2520 रुपए, यहाँ सेविंग हमने लिख लिया 2520 रुपए, तो उसकी मासिक आय पूछा गया, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, तो हम लोग से ये पूछा गया, तो इनकम को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, इनकम को क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चलेगा, देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे एक्स का, ठीक है, एक्स का पहला खर्च करता है कितना, 40%, तो बचाया कितना वो 60%, तो एक्स का 60% वो बचा लेगा। फिर उसके बाद क्या करता है, 50% बचाता है, तो 50 मतलब 50% खर्च किया तो रिमेनिंग का बोला गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा,
जब भी रिमेनिंग होगा तो इसी तरह बनाएंगे। फिर क्या करता है, 30% हिस्सा कपड़ों पे, तो बचाया कितना उसने, 70% बचा लिया, रिमेनिंग का 70%, ठीक है ना। इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होंगे उसको कैंसिल आउट कीजिए, तो ये 10 से 10, 10 से 10, 50 से दो बार में, ये 3 बार में कटेगा। अब तो नहीं कटना चाहिए, देख लेते हैं, अब नहीं कटेगा। 7 या 21 होता है, 7 या 21, 21 का 1 21, 21 दूना 42, ठीक है, 21 दूना 42, मतलब कि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू निकल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 12,000, मतलब उसका मासिक जो इनकम है ना वो 12,000 है। अगर सालाना पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 12 से गुना कीजिएगा, तो उसका सालाना इनकम भी निकल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम टाइप का है। क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि व्यक्ति अपने आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष का 30% हिस्सा यातायात पर, और यहाँ क्वेश्चन मिसिंग है, ठीक है ना, क्वेश्चन मिसिंग है, तो हम देखते हैं कि क्या मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिएगा, शेष का कुछ हिस्सा किराए पे खर्च करता है, और यहाँ देखिएगा, यदि वह 5600 रुपये, 5000 गलत लिखा हुआ है, 5600 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो मिसिंग है उस पार्ट को में क्या होगा, उस चीज को देखते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, यहाँ एक्स मान लेते हैं, जो मंथली इनकम है उसका एक्स मान लेते हैं। अब यहाँ 20% हिस्सा भोजन पर, मतलब एक्स का 80% बचाया, ठीक है, खर्च को क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। शेष का 30% हिस्सा यातायात पर, तो एक्स का मतलब इसी का 70%, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसके बाद लिखा हुआ है 1/3, मतलब रिमेनिंग का 1/3 हिस्सा, तो फ्रैक्शन अगर होगा तो 1 में से घटाएंगे, परसेंटेज होगा तो 100 में से घटाइएगा। तो जहां आपको शेष का 1/3 हिस्सा किराए पे खर्च करता है, मतलब रिमेनिंग हो जाएगा 1 माइनस में 1/3 हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, ठीक है ना, 5600 हो जाएगा, 5000 नहीं होगा, वो गलत लिखा हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट कीजिए, 10 से 10 कट गया, ये 100 कट गया। अब यहाँ पे एक्स गुना में 8/100 गुना में 2/3 इक्वल टू में 5600, ये 56 बार में कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और 15,000 हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू में 15,000 कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 15,000 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, टाइप 9, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, टाइप 9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए देखिए, एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% विद्यार्थी इंग्लिश में, यदि दोनों में 22% विद्यार्थी फेल होते हैं, तो दोनों विषय में कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं, उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, तो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पहले इस क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। यदि मान लीजिए पास होने वाले बच्चे हैं 20%, ठीक है, फेल होने वाले बच्चे कितने हैं, 80% किसी सब्जेक्ट में, और बोथ मतलब कुछ बच्चे दोनों पेपर में पास हो जाए, ये पेपर 1 हो गया, ये पेपर 2 हो गया, तो बोथ का मान लीजिए ये दिया हुआ 30%, ठीक है। तो ये बोथ में क्या है, फेल है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है, फेल है। ये पेपर का नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए ये मैथ्स दे दिया हमने, और ये मान लीजिए इंग्लिश दे दिया हमने, मैथ्स और इंग्लिश, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पास दिया था, ये फेल दिया था, और ये बोथ वाला क्या है, फेल है। बोथ वाला जब फेल होगा ना, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फेल बना देंगे। तो फेल कितना हो जाएगा, 100 में से घटा के 80% हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो बोथ होगा, जैसा बोथ होगा, अगर बोथ फेल होगा मतलब दोनों फेल होंगे, तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, फेल बनाएंगे, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ध्यान से देखिए। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, तो यहाँ लिखिए हिंदी में कितना है, 36%, हिंदी में कितना हो गया, 36% क्या होते हैं। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में, 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में, हिंदी और अंग्रेजी दिया है 47%, क्या होते हैं, दोनों में फेल होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है, दोनों में फेल कर देते हैं हम लोग। उसके बाद लिखा हुआ है कि यदि दोनों में 22% विद्यार्थी फेल होते हैं, मतलब बोथ जो है ना वो भी फेल दिया हुआ है,
22% विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या निकालना है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे बोथ वाला जो है ना उसको 100 में ऐड कीजिए, मतलब 122 कर दीजिए, और ये दोनों फेल है तो इन दोनों को अलग से ऐड कीजिएगा। तो 36 प्लस में क्या कीजिएगा, 47 कर दीजिए। आपको ये कर देना है, केवल इनको घटा देना है। तो जब इनको घटाइएगा जोड़ के तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐड करके देखिए तो 36 प्लस में 47 ये हो जाएगा, 83 हो जाएगा। अब इस 83 को क्या कीजिए, 122 में से घटा दीजिए, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा, 39 हो जाएगा। 39% बच्चे क्या हो जाएंगे, दोनों सब्जेक्ट में पास है। यही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में। तो देख सकते हैं आपको क्या करना है, बोथ वाले को 100 में ऐड कीजिएगा, दोनों सब्जेक्ट को बोथ की इक्वल करके, दोनों को ऐड करके बोथ में से घटा लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 39%, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 39%। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी इंग्लिश में पास होते हैं, 85% विद्यार्थी गणित में, और 75% दोनों में पास होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, दोनों में पास वाला क्वेश्चन है, और सभी यहाँ पे पास है, ठीक है ना। तो ये तो अच्छा है कि आपको कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा है, बट अगर बोथ अगर फेल है तो दोनों को फेल करना होगा, बोथ अगर पास है तो दोनों को पास करना होगा, ठीक है ना। कुछ भी हो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया कि इंग्लिश में 80% विद्यार्थी, और कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पे, गणित, गणित में 85%, गणित में कितना है, 85%। अब यहाँ बोला गया कि बोथ में, दोनों सब्जेक्ट में बोथ में कितना दिया हुआ है, बोथ में दिया हुआ है यहाँ पे 75%। क्या देता है, पास देता है ना, सब पास है, तो आपको बोथ का फेल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 75 को ऐड करेंगे 100 में, 175 हो जाएगा, और 80 प्लस में 85 165 हो जाएगा। मतलब 10% ऐसे बच्चे हैं कि जो कि इंग्लिश में भी फेल है और मैथ्स में भी फेल है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बोथ वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, टाइप चेंज हो जाएगा, और ये मुझे लगता है कि टाइप 10 है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी आसानी से भी हम लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी को 29% अंक प्राप्त हुए तथा 6 अंकों से वो फेल हो गया। तो मान लीजिए कि पूरा एग्जाम हुआ था एक्स नंबर का, उसमें से वो 29% अंक लेके आता है, तो एक्स का 29% है इक्वल टू में कितना हो जाएगा, एक्स का 29%। अगर 6 अंक से वो फेल हो जाता है तो 6 अंक उसको दे देते तो वो बच्चा क्या होता, पास हो जाता है। अब पूछा गया, अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक प्राप्त हुए, और वह जो न्यूनतम अंक था, मतलब पासिंग अंक था, उससे 8 अंक ज्यादा आ गए। तो एक्स का 43% माइनस कर देंगे 8 अंक, तो ये भी पासिंग मार्क्स हो गया, ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। आप सॉल्व कीजिए तो 29% में से 43% को घटाएंगे तो 14% ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस साइड आके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ये एक दूसरे से कट गया। यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 जैसा ही है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि राम किसी परीक्षा में 40% अंक लाता है। मतलब मान लीजिए कि टोटल एक्स नंबर का एग्जाम हुआ, उसमें 40% है राम लेके आता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, और 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 20 अंक उसको मिल जाता राम को तो ये पास हो जाता, तो 20 ऐड कर देंगे। रहीम उसी परीक्षा में 35% अंक लेके आता है। रहीम क्या करता है, एक्स का 35% लेके आता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, एक्स का 35% लेके आता है, और 30 अंकों से फेल हो जाता है। मतलब ये भी फेल हो जाता है, तो 30 अंक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बीच में इक्वल टू का साइन कर देंगे। 40% में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का 5% हो जाएगा, और एक्स का 5% इक्वल टू में 20 में से 30 जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, 30 में से 20 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ये जो एग्जाम हुआ था ये 200 नंबर का एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि न्यूनतम अंक बताए। न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा, किसी भी एक पार्ट में, इक्वेशन के किसी भी एक पार्ट में आप पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो एक्स का 40% हम निकालते हैं, तो एक्स का 40% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मतलब 80, और 20 नंबर से बेचारा वो फेल हो गया था, तो 20 नंबर ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
100 नंबर हो जाएगा, मतलब है जो पासिंग मार्क्स था वो 100 नंबर पास होने के लिए चाहिए था मिनिमम मार्क्स। तो ये आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, टाइप भी चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलो चीनी कम खरीद पाता है, क्योंकि चीनी का दाम ज्यादा हो गया तो सामान तो कम खरीदेंगे आप, तो चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य निकाले। तो न्यू रेट निकालने के लिए न्यू प्राइस कैसे निकाला जाता है, ध्यान दीजिएगा। जितना भी पैसा है उसको आप लिख दीजिएगा, जितना भी पैसा आपके पास है ना उसको लिख दीजिएगा। तो अभी आपके पास 500 रुपए है इस क्वेश्चन में, तो 500 रुपए लिख दिए। 20% बढ़ा या घटा उससे मतलब नहीं है, 500 का 20% निकाल देंगे। इतना आया समझ में आप लोग को, जितना भी पैसा है उसको लिखेंगे और जितना भी परसेंट इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उसको लिख देंगे। 120 नहीं कीजिएगा, केवल 20% रखना है, ठीक है ना। और कितना किलो कम या ज्यादा चीनी खरीदता है ना उसको नीचे रखिए, उससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये नया रेट निकल जाएगा, 1 0 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब चीनी का जो दाम है ना वो 20 रुपए प्रति किलो है। चीनी का दाम कितना हो गया, 20 रुपए प्रति किलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसे भी आप काफी आसानी से बना सकते हैं। 20 रुपए प्रति किलो आपका आंसर आ जाएगा, चीनी का नया रेट है ये, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 24 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। पूछा गया कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के बाद 279 रुपीज में 6.2 kg चीनी अधिक मिलता है, तो जितना भी पैसा उसको लिख दीजिए, ये नया रेट निकलेगा, जितना भी पैसा उसको लिख दीजिए, और 10% कमी हो गया तो सीधा 10% इसका निकाल देंगे, और कितना 6.2 kg, तो 6.2 लिख देंगे, ठीक है ना। अब चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, ओरिजिनल प्राइस निकालना है चीनी का, तो यहाँ पे अपॉन में 10 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 31 से कटेगा, 31 दुना हो जाएगा, 31 90 हो जाएगा, मतलब चीनी का दाम कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा नया वाला, और ये 4.5 हो जाएगा। अब आपको पुराना रेट निकालना है, तो पुराना रेट कैसे निकालेंगे, पुराना रेट मान लिए एक्स है, 10% का कमी हुआ तो 90% हो जाएगा, 90% एक्स का, और ये कितना हो गया नया रेट, 9/2 हो गया। अब 1 0 से 1 0, 9 × 9 और 2 से 5 बार में, मतलब पहले एक्स का वैल्यू कितना था, 5 रुपए, पहले चीनी मिलता था 5 रुपए kg, बट अब चीनी कितना रुपए मिलता है आपको, 4.5 रुपए kg आपको चीनी मिलता है, ठीक है ना। देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन सेम टाइप का था, बट इसमें आपको ओरिजिनल प्राइस निकालना था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, प्रीवियस प्राइस निकालना था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 टाइप भी चेंज हो जाएगा, टाइप यहाँ देखिएगा 12। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिलता है और 4000 वोटों से वो जीत जाता है, मतलब 2 उम्मीदवार में से एक उम्मीदवार को 4000 वोट ज्यादा मिलते हैं, तो कुल कितने मतदाताओं के नाम है मतदाता सूची में, ये आपको निकालना है। तो देखते हैं, क्वेश्चन आसान है दोस्तों, क्वेश्चन आप बना सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ए को मिला 60% पहला मतदाता, तो बी को कितना मिलेगा, 40%। दोनों के बीच में गैप कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, जितने वोट से जीतेगा तो 20% वोट उसको अधिक मिला, ए को 20% वोट अधिक मिला, और ये परसेंट में वैल्यू दे दिया 20%, और ये वोट कितना दिया हुआ, 4000 वोट अधिक मिला ए को बी से। ये नंबर में मैंने बताया था कि किसी भी नंबर को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो प्रतिशत में लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में, तो हमने दो तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स का 20% इक्वल टू में 4000, ये हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिए, 1 0 से 1 0, मतलब 200 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 20000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में 20000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक्स का मान निकल गया 20000। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 25 26 देखते हैं, सेम चुनाव वाला क्वेश्चन है। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए वोट का
56% वोट प्राप्त हुआ और वह 2496 वोट से जीत गया। यदि चुनाव क्षेत्र में 64% वोट जो मतदाता ने ही वोटिंग किया, बाकी वोटिंग नहीं करते हैं, तो मतदाताओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है। मतलब 100 में से केवल 64 लोग ही ना चुनाव में क्या करते हैं, वोट करते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 100 में से 64 लोग, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले जो डेटा दिया है ना उसको लिखिएगा। तो एक उम्मीदवार को कितना मिला, 56, जितना भी वोटिंग हुआ उसमें 56 मिला। तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा, 100 में से 56 को घटाइएगा तो 44%, दोनों का गैप निकाल लीजिए ये आ जाएगा 12%। और ये कितना है, 2496 नंबर में दिया हुआ है कि इतना वोट ज्यादा मिला पहले उम्मीदवार को जो जीता। अब चुनाव के क्षेत्र में केवल 64% ही वोट मतदाता है ना वो वोटिंग करते हैं, मतलब एक्स का 64% लोग ही वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या करेंगे, 12% निकालेंगे, जितना वोटिंग होगा उसी में से हम निकालेंगे ना संख्या को, जितना हमारे पास होगा नंबर्स, और ये नंबर कितना हो जाएगा, 2496। तो 12 का 12, 12 दुना 12, 8 96, 208 बार में मेरे हिसाब से तो कटना चाहिए, आप देख लीजिएगा। अब ये 64 से कटेगा नहीं पता, 16 से हो सकता कटेगा, 16 का 16, 16 चौके 64, 16 का 16, 16 एकम 16, 16 तीन 48 कट गया। अब ये 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे कट के एक्स इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 13 गुना में 25 गुना में 100, तो 13 गुना में 25 कितना हो जाएगा, 250, 325 होना चाहिए, 32,500 आपका आंसर हो जाना चाहिए, 32,500 मतदाताओं ने वोटिंग किया इस चुनाव में। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है और वह 8,000 मतों से जीत जाता है, मतलब जितने भी वैलिड वोट होते हैं ना उसका 55% मिलता है जीतने वाले उम्मीदवार को। अगर डाले गए वोट का 20% वोट क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है, मतलब अवैध हो जाता है, उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो आपको बताना है कि चुनाव में कितने मतदाताओं की संख्या थी या फिर मतों की संख्या थी, वोट की संख्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो हम कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि ए को कितना वोट मिला, तो ए को यहाँ पे मिल गया 55%, ए को कितना वोट मिला 55%, तो बी को कितना मिलेगा 45%, दोनों के बीच में गैप निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ देखिएगा 10% का गैप आ जाएगा। अब टोटल वोटिंग हुआ था एक्स, एक्स का क्या होता है कि 20% अवैध हो जाते हैं, मतलब 80% वोट सही थे। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि दोनों के बीच में गैप कितना है, 8,000 मतों का अंतर है दोनों के बीच में, यही लिखा हुआ ना कि वह 8,000 मतों से जीत जाता है, मतलब वोट से जीत जाता है, तो 10% का वैल्यू 8,000 के इक्वल है। तो इसका क्या करेंगे, 10% निकालेंगे जितना भी वोटिंग होता है और इसको इक्वल कर देंगे हम 8,000 के, ठीक है। अब ये 10 से 10, 20 कट जाएगा, ये 10 बार में कटेगा, मतलब एक्स के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 पे 50, मतलब 100,000 वोट हुए थे इसे चुनाव में। तो ये देखिए, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व किया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 भी बहुत अच्छा है। पूछा गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक हाउस वाइफ है खर्च में सिर्फ 10% की वृद्धि कर सकती है, तो अपने खपत में वो कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका खर्च ना बढ़े। तो यहाँ देखिएगा 20% का वृद्धि हुआ बट वो केवल 10% तक का वृद्धि कर सकती है, तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, 10%। चीनी का दाम एक्चुअल में कितना हो गया, 100 रुपए से 120 रुपए हो गया है, तो 120 को नीचे रखेंगे, ठीक है। 100 रुपए से कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। अब ये क्या करेंगे हम लोग, 10/100 गुना में 100, ये परसेंटेज निकाल दीजिए, तो 12/96 लगभग 8 आएगा, ये परसेंटेज आ जाएगा 8.33% आना चाहिए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना आसान था, हल्का सा चेंज था, ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एक आदमी अपनी आय का 30% बचाता है, यदि उसकी आय 20% कम हो जाती है तो वह अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि बचत पहले जैसा हो जाए।
तो देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा इनकम। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग होता है। अब इनकम क्या मान लेते हैं, 100 रुपए मान लेते हैं कि वो आदमी 100 रुपए कमाता है। जब भी आपको आंसर में आंसर परसेंटेज में निकालना होता है ना, तो आप क्या कीजिएगा, 100 मान के बनाइएगा। 30 रुपए खर्च करता है, अगर वो 30 रुपए खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 70 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। खर्च करता है 30 रुपए, सेविंग करता है 30 रुपए, तो खर्च करता है 70 रुपए, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि अभी काम आने वाला है। एक्सपेंडिचर हो गया कितना, 70, ठीक है ना, 70%। अब आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए, यदि उसकी आय में 20% की कमी हो जाए, तो यहाँ 20% की कमी ब्रैकेट में लिख दीजिए कि 20% की कमी हो जाए, वह अपने खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका बचत पहले जैसा हो जाए। मतलब बचत में कोई भी चेंज नहीं है, बचत में 0% दिया हुआ है, और एक्सपेंडिचर में पूछा गया है कि कितना परसेंट का वो, कितना परसेंट का कमी करे एक्सपेंडिचर में। तो ये चीज आपको दिख रहा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, तो क्या करना है, मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला बताया, बस इसी को अप्लाई कीजिए। इनकम कितना हो गया, 100 गुना में 20, यहाँ लिखेंगे 100 गुना में 20, इनकम इक्वल टू में 30 गुना में 0, 30 गुना में 0 लिख दीजिएगा, प्लस में 70x हो जाएगा। अब ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, तो 100 गुना में 20 इक्वल टू में 70x हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब x इज इक्वल टू में 200 बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे 200 बटे में 7 है, तो कितना आ जाएगा, आप लोग बताइएगा कैलकुलेट करके, तो ये आ जाएगा 28.57। इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 भी बन गया टाइप नंबर 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप का है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े और खर्च 15% बढ़े, तो उसका बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो आपको बताना इस बार बचत के बारे में, तो हम सेम यही चीज रखते हैं ना, यही क्वेश्चन है सेम, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इनकम कितना बोला गया, 75% खर्च कर देते हैं, यदि उसकी आमदनी 20% बढ़े, तो बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 20% ही लिखना है, ठीक है, प्लस माइनस से नहीं मतलब है। तथा खर्च 15% बढ़े, ठीक है ना, 75% खर्च कर देता है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 75%, सेविंग हो जाएगा 25 रुपए, क्योंकि 100 रुपए में से 75 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाएगा 25 रुपए। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया सेविंग के बारे में, बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो बचत को मान लेते एक्स से परसेंट चेंज होगा, और कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपेंडिचर के बारे में, लिखा होगा कि 15% खर्च में इंक्रीमेंट होता है, तो 15% खर्च में इंक्रीमेंट कर दीजिए, बस सेम यही तरीके से बनेगा, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 100 गुना में 20 इक्वल टू में 25x प्लस में 15 गुना में 75 कैंसिल आउट कीजिए, 25 + 25 = 25। अब नहीं कटेगा ये, अब नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा, तो 80 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे 45 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू में 35, मतलब उसको जो सेविंग में है ना चेंज करना होगा 35% का, तब जाके ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, 35%। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आसान है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी आसान है। मीरा के खर्चे और बचत का अनुपात 3:2 है, तो यहाँ देखिएगा मीरा के खर्चे और बचत का अनुपात कितना है, 3:2 है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 है ना, क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ लिखा हुआ है कि मीरा के खर्चे और बचत का अनुपात 3:2 है, यदि उसकी आय 10% बढ़े और खर्च में 12% का इंक्रीमेंट हो, तो बचत में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट होगा। तो सेम यही तरीका, आई इक्वल टू में क्या होता है, ई प्लस में एस होता है, आई मान लीजिएगा 100 रुपए, आई मान लेते हैं 100 रुपए, ठीक है, आई मान लेते हैं 100 रुपए, और इसमें खर्चे और बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर अगर हम लोग निकालते हैं तो 100 का क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 5 हिस्सा है, रेशियो दिया है ना 3:2 सेविंग और एक्सपेंडिचर का, तो हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर पहले निकाल लिया, तो एक्सपेंडिचर 3/5 20 हो जाएगा, मतलब ये 100 में से 60 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना है, 40 रुपए। अब चाहे तो 100 गुना में 2/5 करके भी निकाल सकते हैं, बट उसमें टाइम लग जाएगा।
यदि उसकी आय में 10%, आय में कितना परसेंट 10% का चेंज होता है, और खर्च में 12%, खर्च में कितना परसेंट 12%, तो सेविंग में एक्स हो जाएगा। बस वैसे ही बनाइए जैसे अभी हम लोग बना रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 गुना में 10 इक्वल टू में 60 गुना में 12 प्लस में 40 एक्स लिख सकते हैं। कैंसिल आउट कीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से 4 3 चार एकम और 4 से 25 बार में 25 इक्वल टू में 18, 6 3 18 होता है ना, प्लस में एक्स हो जाएगा। अब इस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7% हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत हमने बना लिया 7% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप को चेंज करते हैं हम लोग, टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 32, टाइप 15 क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाती है तो कुल 9% की वृद्धि हो जाती है। कुल कितनी परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 9% की वृद्धि हो जाएगी। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है ये निकालना है, कि शहर में पुरुषों की संख्या कितनी है ये आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, टाइप 15 का। तो ध्यान से देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप मेल और यहाँ पे लिख लीजिएगा फीमेल। मेल में कितना चेंज होता है, 10%, फीमेल में कितना होता है, 8%, ठीक है। बस इसको क्रॉस कर दीजिए ऐसे करके, ठीक है ना, मेल फीमेल को क्रॉस कर दीजिए। और यहाँ बोथ में कितना चेंज होता है वो भी लिखना तो होगा ना हम लोग को, बोथ में कितना चेंज होता है, 9% का टोटल में। तो यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1%, दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 1%। बस अब क्या कीजिए, टोटल पॉपुलेशन है 8000, 8000 का क्या करेंगे हम लोग, मेल का पॉपुलेशन तो मेल के सामने एक हिस्सा है, तो एक हिस्सा टोटल कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, तो 1/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 4000। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 4000। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, तुरंत हम लोग बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो एक और तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप चाहे तो स्टेप से भी बना सकते हैं। ये मैंने बनाया मिक्सर के कॉन्सेप्ट से, जब मिक्सर होगा तो उसमें मैं आपको इस चीज को बताऊंगा कि मैंने कैसे किया था। तो अगर आप लोगों को बनाना है तो 8000 लिख लीजिए टोटल पॉपुलेशन, इसमें चेंज होता है 9% का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9% ज्यादा हो जाता है, मतलब 109% हो जाएगा, ठीक है, 109% हो जाएगा। आगे 8000 का नहीं, यहाँ लिखेंगे एक्स है, मेल मान लीजिए एक्स है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 10%, मतलब एक्स का 110% लिख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे प्लस 8000 माइनस एक्स, जो फीमेल हो जाएगा वो 8000 माइनस एक्स हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा, 108% हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108%। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो भी एक्स का वैल्यू सही आ जाएगा, बट ये मुझे काफी लंबा लगता है इसलिए मैंने आपको इस मेथड से नहीं बताया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। किसी शहर की जनसंख्या 10000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि, 6% की वृद्धि तथा महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है तो शहर की कुल जनसंख्या 10540 हो जाती है। तो आपको निकालना है शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है, तो ये चीज आपको निकालना है कि शहर में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट बनाएंगे कैसे तो देखिएगा, ये भी बहुत आसान तरीके से हम बना लेंगे। चाहे तो आप स्ट्रिप से बना सकते हैं या जैसे मैंने बताया था ट्रिक से वैसे बना सकते हैं। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 10540, और पुराना जनसंख्या कितना था, 10000, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 540 का, कितने में से, 10000 में से। प्रतिशत निकाल लीजिए कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 10 से 10 मतलब ये कितना हुआ, 5.4%, ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वैसे ही बनाएंगे, मेल लिखेंगे, यहाँ पे फीमेल लिखेंगे, उसके बाद 6% और 5%, तो यहाँ 6%, यहाँ 5%, यहाँ पे 5.4, इसको इससे घटाइए, इसको इससे घटाइए, तो यहाँ पे 0.4, और यहाँ पे रेशियो में कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा ना, 0.6 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट को काटिए, 2 और 3 अनुपात निकल जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए मेल और फीमेल का 2:3 हो गया। अब यहाँ पे जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या शहर में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, फीमेल का जनसंख्या निकालना है, तो 10000
गुना में फीमेल है 3 हिस्सा, टोटल है 5 हिस्सा, 2000 आ जाएगा। फीमेल कितनी हो जाएगी? 6000। तो शहर में फीमेल का संख्या कितना हो जाएगा? 6000। तो देखिए कितने आसानी से हमने बना लिया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34, टाइप 16। एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद पूछा है, मतलब ये सीआई का क्वेश्चन है। तो सीआई का क्वेश्चन है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि देखिएगा ध्यान से, फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू में पी इंटू में 1 प्लस में आर बाई 100 की पावर में एन, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा, गांव की जनसंख्या 17,400 है, तो आपको बताना है कि 2 वर्ष के बाद कितना होगा, मतलब 2 वर्ष के बाद पूछा, तो अमाउंट पूछा है 1,76,400 लिख लीजिएगा यहाँ जनसंख्या। और यहाँ कितना परसेंट का इंक्रीमेंट होता है? 5%। तो यहाँ लिख लीजिए 105%, ये लिख लिए 105% की पावर में 2। तो यहाँ पे 21 5 से काटिएगा, यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 176, 1,76,400 गुना में 441 बाई 400, ठीक है, ये काटिए। और ये कितना हो जाएगा, ये काटिएगा तो 4 से कटेगा, 4 चौके 16, हासिल एक, 4 चौके 16, 441। अब इसको बस गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 441 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1,94,000, 1,94,481। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी आपका बन गया 1,94,481। तो सिंपल, आपको सीआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और ये क्वेश्चन आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, एक गांव की जनसंख्या 1,76,400, इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1,76,400 हो जाएगा, यही है ना, 1,76,400। और बोला गया कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, 2 वर्ष पूर्व में पूछा गया, तो अगर पूर्व में पूछा गया तो अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, अमाउंट आपको दिया हुआ है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो प्रिंसिपल नहीं पता है, और वार्षिक वृद्धि होता है 5% की दर से, 5% की दर से वार्षिक वृद्धि होती है 2 वर्ष तक है, तो 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो, ठीक है, ये हो गया। अब यहां लिखेंगे 1,76,400 और 441 पी हो जाएगा, 441 पी बाई 400 हो जाएगा। अब ये 441 से कटेगा, 441 से ये मुझे लगता है कि 4 बार में कट जाना चाहिए, 4 बार में कटेगा, तो पी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 16,000, पी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 16,000, ठीक है ना। तो देखिए कितने आसानी से हमने पी भी निकाल लिया, तो 2 वर्ष पूर्व में कितनी जनसंख्या थी, 16,000, तो ये भी क्वेश्चन बन गया। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज में थे सभी को मैंने टाइप वाइज आपको बता दिया। अगर ये 35 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो आपको परसेंटेज में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा रेलवे में आप आसानी से बना सकते हैं परसेंटेज के सभी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।